आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज 14C. ओके, इन क्वेश्चन नंबर थ्री वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 11.2 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर वाई सेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट. फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 11.2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. This is line segment of length 11.2 centimeter. Now we need to draw the perpendicular bisector of this line segment. I said to you in the previous classes that to draw the perpendicular bisector, we need to take the more than half of the line segment and draw the arc on both sides above and below. From the same, we draw the vice without changing the length of the compass. Now we will join these two intersecting of arcs. This, name this P, not P, something A and B, and say the point this is M. Now in question number first says that take any point P on the right bisector drawn, examine. उसने बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है उसके सब पार्ट जो क्वेश्चन है उसका उसको में बोला है कि कोई पॉइंट P लीजिए जो आपने बाइसेक्टर बनाया और आप PX और PY को ज्वाइन कर दीजिए. PX और PY को ज्वाइन कर दीजिए और चेक करिए कि PX और PY क्या इक्वल हैं. चेक करता हूं मैं. दिस इज समथिंग 6.8 एंड दिस इज आल्सो नियर अबाउट 6.6. दिस इज आल्सो आई थिंक 6.6. यस, बोथ द लाइन्स आर इक्वल्स. ये बोथ द लाइन्स आर इक्वल. आपकी भी आप कहीं पर भी ले लो, जरूरी नहीं है यहाँ पर लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर कहीं पर भी ले लो, आपको क्या मिलेगा, इक्वल लेंथ मिलेगा. इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड वो बोल रहा है कि अगर एम लाइन एक्स वाई का मिड पॉइंट है तो एम एक्स और एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा, एम एक्स और एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा, ये हमको बताना है. ओके, नाउ वी विल राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. दीज टू आर ओनली द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ 11.2 सेंटीमीटर. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर एक्स वाई which intersect XY at M with the help of compass. Compass की help से आपको बनाना है. और ये diagram, ये construction मैंने किया था. अब उस इसका question number first कर रहे हैं हम लोग. इसका question number first में है ना, question number first में क्या बोला गया है, we take point P on the right bisector हम
पी पॉइंट लेते हैं राइट बाइसेक्टर पे, वी फाइंड दैट, देन वी फाइंड दैट, तब हमें मिलता है, देन वी फाइंड दैट दैट पी एक्स इक्वल टू पी वाई। पी एक्स किसके इक्वल है? पी वाई के। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताना है? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एम एक्स एंड एक्स वाई। देखिए बेटा, एक्स वाई, एक्स वाई को आप एम एक्स प्लस एम वाई लिख सकते हैं। देख सकते हो, दिस इज कंप्लीटली एक्स वाई, यू कैन राइट दिस एम एक्स प्लस एम वाई। एक्स वाई की लेंथ एम एक्स और एम वाई के इक्वल ही होगी, तो वैसे ही मैंने लिख दिया एम एक्स प्लस एम वाई। अब आपको पता है कि एम क्या है इसका? मिड पॉइंट। एम मिड पॉइंट है, तो एक्स एम, एम एक्स की वैल्यू और एम वाई की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी ना। तो साइड में लिख दीजिए एम एक्स इक्वल टू एम वाई, बिकॉज सिंस एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। अब आप यहाँ क्या करोगे, एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस एम वाई की जगह भी क्या लिख दोगे? एम एक्स, क्योंकि एम वाई और एम एक्स इक्वल है, तो एम वाई की जगह एम एक्स लिख सकते हो। तो एक्स वाई इक्वल टू टू एम एक्स। ये आपने रिलेशन बता दिया कि एक्स वाई क्या है? एम एक्स का डबल है। दिस इज द फाइनल रिलेशन। तो आप देख सकते हो, पहले मैंने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद मैंने स्टेप्स लिखे, स्टेप्स लिखने के बाद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन किया। द एक्सरसाइज 40 सी हैज बीन डन। वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट टू द फॉलोइंग एंगल्स। ओके, एक्सरसाइज 14D। फर्स्ट वी राइट दिस क्वेश्चन, वी ड्रॉ दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन द नोटबुक। ओके, तो आई एम मेजरिंग दिस एंगल, दिस एंगल इज नियर अबाउट 50 degree। तो 50 degree एंगल आई एम मेकिंग इन माई नोट पेज। दिस इज द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। नाउ विद दिस सेम एंगल वी नीड टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास हेयर। आई एम शोइंग यू हाउ टू ड्रॉ द सेम एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास हेयर। सबसे पहले आप एक रे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप एक रे को ड्रॉ करेंगे। दिस रे आई कंस्ट्रक्टेड, फिर फ्रॉम द, फिर आप यहाँ पी क्यू पर पॉइंट रखेंगे और एक इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से आर्क लगाएंगे। डोंट चेंज द रेडियस ऑफ कंपास, लेंथ ऑफ कंपास, ओपनिंग ऑफ कंपास, टेक द सेम फ्रॉम हियर। After doing this, you need to measure the length of this arc. Measure the length of this arc. After measuring this, put point here and
कट आर्क, देखिए कट आर्क, फ्रॉम दिस कटिंग आर्क यू जस्ट ड्रॉ द एंगल, यू कैन मेजर इट, दिस इज ऑल्सो अ 50 degree एंगल, कैन मेजर इट, देखिए दिस इज ऑल्सो अ 50 degree एंगल, ओके, सो वी कंप्लीटेड अवर वर्क, नाउ गिविन सम नेम ऑफ दिस एंगल ए बी सी एंड गिविन सम पॉइंट, दिस नेम ऑफ द पॉइंट दिस इज सपोज डी 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 ई एंड दिस इज समथिंग एक्स एंड वाई, ओके, दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्सरसाइज 14D, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अरे बी, टेक बी एस सेंटर, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, वाई, ओके, नाउ आई एम राइटिंग द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, अब मैं इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला कर रहा हूँ, थर्ड वाला करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक रे बनानी है, देखो ध्यान से देखिएगा, एक रे मैं बनाता हूँ यहाँ पर, एक रे मैंने बनाई, फिर रे बनाने के बाद आपको क्या करना है, यू फर्स्ट यहां से आपको देखना है, ये मैंने यहां पर एक आर्क लगाया, सेम लेंथ का आर्क, आपको अपने कंपास की लेंथ को चेंज नहीं करना है, कि मैंने सेम लेंथ का आर्क लगाया, अब मैं क्या करूंगा, इस आर्क को मेजर करूंगा, ये आर्क की लेंथ मेजर करूंगा, ए आर्क की लेंथ मेजर कर ली, ए आर्क की लेंथ मेजर करने के बाद इसको नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम एक्स दे दीजिए, इसको वाई दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिर डी पॉइंट से जैसे मैंने एक्स वाई को मेजर किया, मेजर करने के बाद अब मैं डी पॉइंट से उसी मेजर का क्या लगा दूंगा, आर्क लगा दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये हमारा एंगल बन गया, इसका मैं नाम दे दूंगा कुछ भी, सपोज ए बी एंड दिस इज सी, है ना, इसको दे दूंगा कुछ पी नाम दे दूंगा, है ना, कुछ भी नाम दे दीजिए, तो दीज आर द सेम एंगल, दीज आर द सेम एंगल, सो वी से दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, आपको विश्वास नहीं हो तो आप ऐसे, मतलब आपको देखना हो कि हमारा सही बना है कि नहीं, चेक करना हो तो आप देख सकते हो, देखो ये 60 degree आ रहा है, दिस इज 60 degree, अब हम ये भी चेक करेंगे क्या ये 60 degree है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल 60 degree आ रहा है, देखिए आप बिल्कुल 60 degree, इट मीन्स यू आर करेक्ट, अब आपको क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल वही स्टेप्स लिखेंगे जो आपने पहले वाले में लिखे, बस थोड़ा चेंज कर देंगे जो उसका लेंथ वगैरह है वो
नाम वगैरह है ना, नेम वगैरह चेंज कर दे, सेम एज फर्स्ट। सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है। ओके, थैंक यू।